अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के साथ टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है, मैंने दो वेज में बनाया है। और इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन लिया, उसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक कुटी हुई डालूंगी। उसमें ऐड करूंगी 7 से 8 लीमू और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। साथ में मैं गरम मसाला 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करने वाली हूं और उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और उसके बाद मेरे पास है ऑरेंज कलर जो कि जर्दा रंग होता है, वो मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। यहां पे मेरे पास है टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, वो ऐड करूंगी। नमक जो है वो आप हसबे जायका ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया। लास्ट में मेरे पास 4 से 5 टेबलस्पून दही है, मैं वो ऐड करूंगी। इन सब चीज़ों को आपने ऐड कर देना है अपने चिकन के अंदर और चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। मैंने ओवरनाइट अपना चिकन रखा था, बहुत अच्छे तरीके से ये गल भी जाता है और बहुत अच्छा बनता है, तो आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। लास्ट में एक जो है आपको मैं टिप बता दूं कि आपका टिक्का जो कलर होता है वो किस तरह आ सकता है। ऑरेंज कलर के साथ साथ आप इसमें अगर रेड फूड कलर भी ऐड कर लेंगे तो आपका टिक्का कलर बहुत अच्छा आएगा, तो ये टिक्का फ्लेवर भी बन जाएगा और टिक्के का भी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर जो है वो ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट जो है वो रखा था अपना। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं 2 घंटे के बाद इसको, अगर आपको जल्दी बिरयानी बनानी है तो चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, सारा मसाला अंदर रचपस गया है। अब आपको क्या करना है, इसको निकाल लें और हम इसको कुक करेंगे। कुक करने का बड़ा ही आसान तरीका है, एक पैन ले लें, उसके अंदर अपना सारा चिकन ऐड करें, इस चिकन को कवर करें और इसको जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दें। ये खुद ही पकता रहेगा, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चम्मच चलाएँ कुछ भी करें, इसका अपना ही एक चिकन का पानी होगा वो निकलेगा, उसी से वो चिकन पक जाएगा और कुछ देर के बाद आपका जो चिकन है वो इस तरह से लगेगा जब ये पानी थोड़ा सा छोड़ देगा। आपको इसको कब तक कुक करना है, इसको आपको तब तक कुक करना है जब तक आपका सारा जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता, यानी कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये मसाले वाला बन। यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकती हैं अगर आपका पॉट जो है वो नॉन स्टिक नहीं है, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक है इसलिए इसका जलने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। आप ऐड कर सकती हैं अगर आपका नॉन स्टिक पॉट नहीं है। इस तरह से आपने इसको हिलाना है, इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, चिकन वरना टूट जाएगा। जब इस तरह से ये मसाले आपका चिकन रेडी हो जाएगा तो आप इसको अलग-अलग बर्तन में निकाल लें और उसी बर्तन में हम अपने जो बिरयानी है उसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए आपको 3-4 कप चाहिए है घी या ऑयल, 1 कप आपको चाहिए लहसुन और तकरीबन 1 किलो आपको चाहिए है जी प्याज कटे हुए। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने अपना ऑयल ऐड किया है, प्याज ऐड करूंगी और साथ में मैं लहसुन ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख दूंगी और इसको मैं सॉटे कर लूंगी। आपने इसको जो है वो हाई फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे क्या होगा ये फ्राई भी हो जाएगा और अपना ही पानी से ये जो है जल्दी से गल भी जाएगा। अगर जी टाइमिंग की बात की जाए तो 15 से 18 मिनट जो है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गलने में लग जाता है, यानी कि इस कंडीशन से नेक्स्ट कंडीशन में आने के लिए कि एक तो अभी तो ये सोते हुए हैं लेकिन उसके बाद ये इस तरह से अपना कलर जो है कर देंगे और सही तरह मिन्स हो जाएंगे। इस सिचुएशन में जब ये आ जाएंगे फिर आप अपने स्पाइसेस उसमें ऐड कर लें। स्पाइसेस इसमें हम लोग थोड़े नॉर्मली रखेंगे, 1-1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ले रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने ली है जी लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने सूखा धनिया लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जीरा ले रही हूँ। 2 टीस्पून है मेरे पास अनारदाना, इसको आप इमली के साथ अल्टरनेट कर सकते हैं। नटमेग एक मैंने लिया है, यहाँ पे मैं ले ली हूँ 2 इलायची, 3 से 4 लौंग और 1/2 कप से थोड़ा सा कम बिरयानी मसाला लेंगे। सारे मसालों को डाल के आपने क्या करना है मिक्स कर लेना है प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे अभी आपने बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना। इन सबको अच्छे से मिक्स करें और उसके अंदर ऐड कर दें तकरीबन 1/2 किलो टमाटर। टमाटर भी मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं, आप इनको ऐड कर लें, ये ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। तब तक आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको कुक करें ताकि आपके जो उनसे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे चम्मच की मदद से इस तरह से उनको मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 2 कप आपका के जितना जो है वो दही ऐड कर देना है। दही और टमाटर और इन सब चीज़ों से आपका मसाला और टेस्ट बनता है।
उसको ऐड करने के बाद आपने अपना बिरयानी मसाला जो है वो ऐड करना है। बिरयानी मसाले की जो मेजरमेंट है वो ये है कि आपको पूरा एक पैकेट जो होता है उसमें से सारा ही यूज़ करना है, बस थोड़ा सा उसमें से बचा लेना है। अब आपने क्या करना है, इस मसाले को कुक करना है और मसाले को तब तक आपने कुक करते जाना है, भूनते जाना, जब तक कि इस तरह से नहीं बन जाता कि इसका सारा पानी जो है वो इसके अंदर से सॉक हो जाए। जब सारा पानी जो है वो जज्ब हो जाएगा तो आपने अपना जो टिक्का है उसका भी, ताकि फ्लेवर और आपकी स्पाइसेस जो हैं वो मेंटेन हो जाए, तो आपने इसमें टिक्का ऐड करके हाथ की मदद से इसको हिलाना है। आपने चम्मच इसमें यूज़ नहीं करना वरना आपका चिकन टूट सकता है। इस पॉइंट पे आप अपने स्पाइसेस को बैलेंस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो नमक मिर्च है वो प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि चिकन ऐड करने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा चेंज होगा। कवर करें और इसको साइड पर रख लें। अब हम अपने चावलों की तह लगा लेते हैं। वाइट राइस की रेसिपी अगर आपको चाहिए है ज़ीरा वाइट राइस की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले आपने बर्तन लेना है, उसको जो है पूरी एक लेयर पहले चावलों की लगानी है, उसके बाद आप उसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपका जो पूरा जो चावल और मसाला है वो पूरा नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को करने के बाद आपने क्या करना है, इसको दम पे रखना है, लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हमेशा दम रखते हैं। और उसको आपने क्या करना है जी, 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। हर राइस की एक अपनी तासीर होती है, कुछ राइस होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ राइसेस होते हैं जो कम टाइम लेते हैं, तो आप लोगों को अपने राइस के हिसाब से उसको दम देना है। 15 से 20 मिनट मुझे लगे थे। इस तरह से मैंने एक साइड पे ज़रदा रंग डाला, ऊपर थोड़ा इसको फैंसी किया विद सम लेमन्स मिंट और थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करके, और उसको मैंने दम पे रख दिया। यहाँ पे मेरे पास मटका मौजूद था तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी एक जो है वो फैंसी लुक बना ली। उसके अंदर भी मैंने लेयर बाय लेयर बिरयानी रखी और यहाँ पे मेरी बिरयानी 15 से 20 मिनट के बाद तैयार है। यू कैन सी द शेप, ये बड़े ही मज़ेदार सी बनी थी। अच्छा जी, यहाँ पे एक मसला होता है कि अक्सर लोगों की बिरयानी मिक्स हो जाती है कि जी हमें कलर जो है ना वो वाइट वाइट और ऑरेंज रेड सब चीज़ें चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपनी बिरयानी को मिक्स नहीं करना, सिर्फ एक साइड से चम्मच से निकालना है और इस तरह से डाल देना। इससे क्या होगा कि वाइट राइस भी होंगे, कलरफुल राइस भी होंगे, मतलब सारे इस तरह से आपकी वाइट राइस वाली बिरयानी जो है वो बन जाएगी। सो यू कैन सी द शेप, शक्ल से पता चल रहा है कि ये बहुत मज़े की है। एंड ट्रस्ट मी कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आई है रेसिपी तो इसका फीडबैक जो है वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करें। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू।